हाय फ्रेंड्स, आइए आज डिस्कस करते हैं 20 फीट बाई 32 फीट के हाउस प्लान पर। यह प्लॉट ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्लॉट के मैप में इसकी आउटर वॉल्स की थिकनेस 9 इंचेस है और इनर वॉल्स की थिकनेस 4 इंचेस। इसकी विड्थ 20 फीट है, इसकी लेंथ 32 फीट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा मेन एंट्रेंस है और ये पोर्च एरिया। पोर्च एरिया की डायमेंशन 7 फीट बाई 10 फीट। ये हमारी स्टेयर्स हैं। ये मेन डोर है जो कि 4 फीट का है और ये लिविंग रूम। लिविंग रूम की डायमेंशन 13.2 फीट बाई 9.10 फीट। लिविंग रूम से ही ये वॉशरूम। वॉशरूम की डायमेंशन 5 फीट बाई 7 फीट। वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे वेंटिलेटर दिया गया है और ये शाफ्ट। शाफ्ट की डायमेंशन 5 फीट बाई 2.6 फीट। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम की डायमेंशन 11.2 फीट बाई 10 फीट। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो डिज़ाइन की गई है। एक विंडो यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी किचन है। किचन की डायमेंशन 7 फीट बाई 6.2 फीट। किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो डिज़ाइन की गई है और ये शाफ्ट। शाफ्ट की डायमेंशन 7 फीट बाई 3.6 फीट। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकेंड बेडरूम है। बेडरूम की डायमेंशन 11.2 फीट बाई 10 फीट। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो डिज़ाइन की गई है। एक विंडो यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। फ्रेंड्स, कुछ चैनल्स पे आपने देखा होगा उनकी ड्राइंग्स में प्लॉट की आउटर वॉल्स पर विंडोज़ दी गई होती हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी के अदर साइड और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए एक बार पूरा मैप देख लेते हैं। ये हमारा पूरा मैप है। ये मेन एंट्रेंस और ये पोर्च एरिया। ये स्टेयर्स हैं। ये मेन डोर है जो कि 4 फीट का है और ये लिविंग रूम। लिविंग रूम से ही ये वॉशरूम। वॉशरूम की डायमेंशन 5 फीट बाई 7 फीट। वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे वेंटिलेटर दिया गया है और ये शाफ्ट। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो डिज़ाइन की गई है। एक विंडो यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी किचन है। किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो डिज़ाइन की गई है और ये शाफ्ट। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। बेडरूम की डायमेंशन 11.2 फीट बाई 10 फीट। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो डिज़ाइन की गई है। एक विंडो यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस शाफ्ट से किचन और बेडरूम इन दोनों को वेंटिलेशन के लिए कनेक्ट किया गया है। ये हमारी सेकंड शाफ्ट है। इस शाफ्ट से वॉशरूम और बेडरूम इन दोनों को वेंटिलेशन के लिए कनेक्ट किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।